नमस्कार, न्यूज चैट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। सीधे चंपावत लिए चलते हैं आपको, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार करने के लिए चंपावत पहुंचे हुए हैं। चंपावत में उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव को लेकर लगातार तेज गति से प्रचार का दौर जारी है। सीएम धामी भी लगातार प्रचार करते नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए अब प्रचारक इतने लोकप्रिय बन गए हैं कि जहां पर जा रहे हैं वहां पर बड़ा प्रभाव डलता हुआ नजर आ रहा है। चंपावत वो पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद हैं और वहां पर प्रचार कर रहे हैं। वहां की जनता को वो संबोधित करेंगे, उनसे अपील करेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हक में वोट किया जाए। इस बार चंपावत से उपचुनाव जीतना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही निर्धारित करेगा कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहते हैं या फिर बदलते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको चंपावत से। ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर देखिए कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भारी संख्या में आपको नजर आ रही होगी और एक रोड शो एक तरीके से निकाला जा रहा है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो फ्लैग है अपने हाथों में लिए कार्यकर्ता बेहद उत्साहित इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चंपावत आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए। थोड़ी ही देर में चंपावत की जनता को वो संबोधित करेंगे। एक तरीके से मुख्यमंत्री का चंपावत से चुनाव लड़ना, चंपावत एक ऐसी सीट है जो खटीमा विधानसभा सीट से लगी सीट मानी जाती है और चंपावत की जनता बेहद खुश नजर आ रही थी जब उन्होंने सुना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से उपचुनाव अब लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उसका सीधा सरोकार उस सीट का विकास की तेज गति से हो जाता है जब प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ता है। खटीमा से लगातार दो बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार खटीमा से वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने चंपावत उपचुनाव व अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी हैं जो प्रत्याशी हैं और दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां तेज है। दमखम दिखाते हुए यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए सीएम धामी भी प्रचार के दौरान नजर आए। तो ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं चंपावत से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंपावत पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, वाहन पर वो सवार हैं और ये रोड शो यहाँ पर निकाला जा रहा है जहाँ पर मदन कौशिक की भी मौजूदगी है और बेहद उत्साहित इन तस्वीरों में आपको कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नज़र आ रहे हैं। जो लोग अपने छतों पर मौजूद हैं वो भी स्वागत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां करते नजर आ रहे हैं और उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें चंपावत से सीधे देख रहे हैं आप। 31 मई को वोटिंग होनी है और चंपावत की जनता ने चंपावत उपचुनाव में अपना वोट कास्ट करना है। कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी हैं कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी कैंडिडेट है और ये चुनाव जीतना उनके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनके आगे का सीएम करियर एक तरीके से प्रदेश में इस चुनाव पर निर्भर करता है। तो इस उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियाँ तेज़ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस रोड शो में इकट्ठे हुए हैं और इस रोड शो को निकाला जा रहा है सीएम धामी के हक में वोट करने की अपील करने के लिए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय चेहरा माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारकों में लिस्ट में शुमार होते नजर आते हैं और उनका संबोधन जिस तरीके से वो लोगों से बातचीत करते हैं वो लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है। तो इस वजह से उत्तराखंड में प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और बड़ी ही खुशियों के साथ और उत्साह के साथ ये रोड शो निकाला जा रहा है। अपनी छतों पर मौजूद लोग सीएम धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत देखिए किस तरह से करते नजर आ रहे हैं। वहां पर खड़े लोग नजर आ रहे हैं और ये रोड शो निकाला जा रहा है चंपावत में। चंपावत विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सेफ सीट मानी जाती है एक तरीके से, इसलिए भी क्योंकि पिछले कई सालों से वहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और उसके बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए ये विधानसभा सीट खाली की गई और इन्होंने यहां से पर्चा भरा है।
तो लगातार दावे तो किए जा रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि चंपावत की जनता का आशीर्वाद मिलेगा सीएम पुष्कर सिंह धामी को, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी हालांकि दावे लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि तैयारियों की अगर बात की जाए, प्रचार की अगर बात की जाए, तो वहां पर थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन दावे लगातार जोरों शोरों से किए जा रहे हैं कि चंपावत की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन ये रोड शो जो आज निकाला जा रहा है अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि चंपावत में 31 मई को जब वोटिंग होगी तो उसके लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंपावत से पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले खटीमा से लगातार दो बार वो विधायक चुनते हुए आए हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में खटीमा से वो चुनाव हार गए, लेकिन मुख्यमंत्री उनको प्रदेश का बनाया गया और 6 महीने के अंतराल में फिर उनको किसी दूसरी विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना है, तभी उनके विधायकी, तभी मुख्यमंत्री वो कंटिन्यू रह पाएंगे। तो इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है ये उपचुनाव उनके लिए। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने देखिए किस तरीके से वहाँ पर हाथों में झंडा लिए इस रोड शो को निकालने को लेकर तैयारियाँ की है। वहाँ पर मौजूद जो निवासी है वो भी अपने घरों से बाहर निकल निकल कर इस रोड शो को देख रहे हैं, इसी के साथ साथ स्वागत करते एक तरीके से नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के हक में वोट करने की अपील करने को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज चंपावत पहुंचे हैं, थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित वो करेंगे, चंपावत की जनता को ये समझाने की भी कोशिश करेंगे कि सीएम के चंपावत से चुनाव लड़ने के बाद जो वो सीट है, जो वो क्षेत्र है, उनको कितना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि चंपावत को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भी शुमार किया गया है और वहाँ पर विकास को लेकर लगातार सीएम धामी की तरफ से वादे किए जा रहे हैं। जब सीएम धामी चंपावत पहुँच रहे हैं तो दुकानदारों से बातचीत तो कई बार करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर जो व्यवसायी मौजूद हैं उनकी समस्या जानते नज़र आ रहे हैं, जो तमाम समस्याएँ चंपावत विधानसभा में रही हैं उसको लेकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से बातचीत की, अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। और चंपावत में अब 31 मई को वोटिंग होगी और इस वोटिंग के दौरान चंपावत के निवासी अपना वोट कास्ट करेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी और निर्मला गहतोड़ी आमने सामने इस चुनाव में नजर आएंगे। तो योगी का प्रचार है और धामी का चुनाव है, तो सीएम योगी के प्रचार से कितना प्रभाव सीएम धामी के चुनाव पर पड़ता है ये देखने लायक बात होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जितने चुनाव हमारे देश में बीते कुछ सालों से हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जहां जहां पर प्रचार करने के लिए गए हैं तो वहां पर एक खासा प्रभाव डालते नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों को संबोधित करते हैं, उनकी भावनाओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो बेहद लोगों को प्रभावित करती हैं और ठीक उसी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर भी अपनाया एक तरीके से जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ चंपावत पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर रोड शो निकल रहा है जहाँ पर वाहन पर सवार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है उसका झंडा लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मौजूदगी है, तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। ये सीधी तस्वीरें चंपावत से आप देख रहे हैं, चंपावत का रण है और इस रण के लिए सभी पार्टियों की तैयारियां जो है वो बेहद तेज है। टनकपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये रोड शो निकाला है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में मौजूदगी के साथ रोड शो आगे बढ़ रहा है। आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंपावत के और टनकपुर की जनता को संबोधित करना है, उनके सामने एक तरीके से वो तस्वीर पेश करनी है कि अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां से चुनाव जीतते हैं, वहां के विधायक बनते हैं, तो आने वाले समय में फिर उस क्षेत्र की क्या दशा होगी, क्या तस्वीर होगी, विकास की तरफ किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। तो ये रोड शो निकाला जा रहा है टनकपुर में, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, हाथों में झंडा लिए और भारतीय जनता पार्टी सीएम पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में नारे लगाते हुए तमाम कार्यकर्ता यहाँ नजर आ रहे हैं, साथ ही अपने घरों से बाहर निकल निकल कर, अपनी छतों से, अपनी बालकनी से बाहर निकल कर इस रोड शो को टनकपुर के निवासी जो हैं वो देख रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें टनकपुर से आपको दिखा रहे हैं। 31 मई को
चुनाव होना है, चुनाव को लेकर वोटकास्ट किए जाएंगे और निर्मला गहतोड़ी जो कांग्रेस की तरफ से विधायक हैं